नेपालगञ्ज मिडियालाई हेरेर बस्नुभएका हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म कुमार चौधरीको तर्फबाट राम राम नमस्कार। आज फागुन 2 गते हो, काठमाडौँको पशुपति मन्दिरमा छौँ। आज शिवरात्रिको 2रो दिन भएर पनि भए तापनि यहाँ भक्तजनहरूको निकै नै भिडहरू देख्न सकिन्छ। हिजो योभन्दा धेरै भिडहरू थियो, तैपनि आज पनि भक्तजनहरूको धेरै नै भिड देखिन्छ, यहाँ देख्न सकिन्छ। यहाँ भक्तजनहरू अहिले चाहिँ खाना भोजन गरिरहेको अवस्थामा छन्। यहाँ टाढाबाट आएका छन्। यो शिवरात्रिको 2रो दिन हो, 2रो दिनमा पनि भक्तजनहरू यहाँ धेरै थुप्रै देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। वैसा गोल गोल आते हैं, धुआं फेंक सकते हैं। जैसे कि आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग नंगा पापा हैं? नंगा ही हैं? जैसे कि आप पशुपति में आए हैं ना, हर साल आते हैं। खास क्या बात है पशुपति में, क्या है खास, क्या जैसे कि आप लोग नंगा होते हैं ना, तो और लोग अच्छा नहीं मानते हैं, ये आप क्यों होते हैं नंगा? अपना पंथ अलग अलग, पंथ साढ़े बारह पंथ अलग होते हैं। आप लोग जैसे कि आप लोग के पास कुछ नगर में सबसे पहले ना कोई का स्नान होता है, जैसे कि आप लोग के सागर पड़ता है क्या, आपको पड़ेगा सबसे पहले ना वो का स्नान। जय बोले ए भन्ने हैन सिन्डुकी ओइ अम्बोल बोले अम्बोल बोले। बाबा जी आप कहां से आए हैं? हम गांव से आए। कौन ठाउँ से, कौन कहां से आए हैं? घिचो ना, कहां से कहिए ना, घिचो ना, जल्दी ना करो। खींच रहे हैं, कहां से आए हैं? जाए रौतहट से आए, नेपाल से। जैसे कि आप ये पशुपति में आए हैं ना, तो इस आप क्या सोच के आए थे पशुपति में, क्या क्या ऐसा खास बात है तो आप यहाँ आए? दर्शन करने के लिए प्रभु से आया। शिवर सुनिए सुनिए बाबा जी, बाबा जी हो गया याग ना है। शिवरात्रि क्या है, कैसे मनाते हैं? याग रोपाएगा 10 मिनट याग पकड़ने लगेगा। बाबा जी भोलेनाथ की दर्शन, जय बबम बोले। जय बोला। आप कहाँ से आए? नेपाल से। कौन कौन ठाउँ? नेपाल जनकपुर। जैसे कि आप पशुपति में हर साल आते हैं? हम यहीं रहते करते हैं। जैसे कि शिवरात्रि पर्व कैसे पर्व है, कैसे मनाते हैं, क्यों 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 मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? मनाते हैं, शिव की परंपरा से माना गया है, परंपरा से सब धर्म कर्म आ रहा है, होता है। जैसे कि नंगा होने से भोले बाबा अच्छा मानते हैं। नंगा होता है ना, लंगे आता है ना, जब लेता तो लंगे रहता है। हाँ, तो मरेगा तो भी नंगे ही जाएगा। नंगे ही जाता है, नंगा ईश्वर का रूप होता है, इसीलिए आप लोग नंगे होते हैं। जैसे कि आप शिवरात्रि में ही नंगे होते हैं कि और वक्त भी नंगे होते हैं? यहाँ पर नंगा बैन है, सरकार में इंडिया में बैन नहीं है। इंडिया में बैन नहीं है, यहाँ तो दो शिवरात्रि के 2 दिन ही नंगे होते हैं। जैसे कि आप इंडिया से आए हैं ना, इंडिया से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? नेपाल में। जैसे कि पशुपति एक ऐसा क्या है पशुपति में तो आप लोग आते हैं? पशुपति भोले बाबा है, साक्षात है भोले बाबा, प्रत्यक्ष है, वहाँ पूरे दुनिया का आदमी आता है। आपका आपके गुरु जी का नाम क्या है? मस्तक है, मस्तक कहीं दुनिया में नहीं है। धन्यवाद। कान के ऊपर मारिए।
ऊपर ऊपर फेंके हाँ इसे आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से? शिवरात्रि शिवरात्रि कैसे पर्व है, क्यों आते हैं शिवरात्रि में? आप लोग नंगा बाबा हैं? जैसे कि नंगा बाबा है ना, तो जैसे कि लोग आपको वैसे अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप भोले लाट के भागते हैं ना, जैसे नंगे बाबा क्यों नंगे होते हैं? तो आप नंगे नहीं होते हैं? नहीं, आप तो नहीं होते हैं ना, जो होता है वो क्यों नंगे होते हैं आपको कुछ मालूम होगा ना? जस्तो कि शिवरात्रिमा तपाईँ यहाँ पूजा गर्नुभयो होइन, तपाईँ खास यो पशुपतिमा किन आउनुभयो त? पशुपति दर्शन पनि गर्नुभयो? हजुर, कहाँदेखि आउनुभयो? हजुर, जस्तो कि तपाईँ भगवान्सँग के माग्नुहुन्छ? जस्तो कि पशुपतिमा जस्तो कि नङ्गा बाबाहरू पनि बाहिरदेखि आएछन् होइन, उनीहरूले जस्तो कि उनीहरूले दिएको आशीर्वाद लाग्छ भन्छन्, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यस्तो लाग्छ र जस्तो कि नङ्गा बाबाहरू पनि जस्तो कि मन्दिरभित्र नाङ्गै हजुर मन्दिरभित्र नाङ्गै हुन्छन् है, अनि जस्तो कि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई केही असहज फिल हुन्छ कि नै, असहज महसुस कसरी? Thank you.